तो जैसे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉगरिथम, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 के पावर 2 प्लस log 5 बेस 3। अब देखने से तो बहुत डरावना क्वेश्चन लग रहा है, खोल दो इसको। तो 3 पावर में प्लस है तो ये 3 स्क्वायर इंटू 3 के पावर log 5 बेस 3 हो जाएगा। अब देखो ये 3 और 3 सेम है तो ये 5 हो गया, हम लोग जान रहे हैं, है ना? तभी से तो यही पढ़ रहे थे ना, 3 स्क्वायर इंटू 5 हो गया। 3 स्क्वायर इंटू 5 क्या होगा? 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 हो गया 45। तो अपना काम आसान हो गया, आंसर निकल गया। देखने में बहुत डरावना क्वेश्चन लग रहा था, है एकदम लुटपुटिया क्वेश्चन, है कि नहीं? अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, log√3 base a = 1/6, यहाँ पे a का वैल्यू निकालना है। पहले आप लोग इसको पॉज करके ट्राई करो, अगर नहीं बनेगा तब इसको जाके फिर देखना सॉल्यूशन इसका। चलो फिर सॉल्यूशन पे आते हैं। तो अब क्या है, इसको चुपचाप अपना ट्रिक लगाना है, ए के पावर 1/6 पे ले जाओ और इसको इक्वल टू √3 कर दो, है ना? देखो हम इसका पावर है log 3 10। हाँ अरे नहीं भाई, इसका पावर जो है गलती से लगता है 10 ले लिए हैं, 10 नहीं लेना है इसका पावर। एक्चुअल किए हैं क्या है ना कि हम पहले इसको लिख लिए हैं, फिर बाद में ऑडियो वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो अब है कि हमको पता है कि हम गलती की है, इसको काटेंगे फिर से हम इसको करेंगे। देखो यहाँ पर इसको सुधार तो लिए हैं, log 10 है तो उसको ए कर दिया है, 1/2 log 3 base a = 1/6। तो a की पावर 1/3 = 3, तो a = 3³ = 27, तो ये जो है 27 हो गया, ठीक है? तो log a base b into log b base c into log c base a का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर पहले ट्राई कर लो इसको। तो पहले तो जैसे हम ट्राई करते हैं, log a base b into log b base c into log c base a, तो इसमें देखो वही फॉर्मूला लगाओ, इसको स्प्लिट करने वाला log a base 10 डिवाइड बाई log b base 10। देखो ये देखो, फिर उसी तरह जब log b base 10 और log c base 10, ठीक है? देखना सब अपने में कट जाएगा और अपने को लास्ट में तुमको सबको दिख ही रहा होगा यहाँ पे कितना आंसर आने वाला है। यहाँ पे सब कटेगा और आप लोग आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो तो जैसे log c base 10 डिवाइड में log a base 10, और फट फट हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो भी दिखा देते हैं। तो log a by b = log a base n डिवाइड में log b base n, ये फॉर्मूला यूज किए। देखो ये फट फट इसको काटो इससे एक बार में गया, उसी तरह इसको काटो इससे तो एक बार में गया, उसी तरह इसको काटो इसको तो एक बार में आया। हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो गया? हम लोग का फाइनल आंसर हो गया 1, ठीक है? अब जैसे कि क्वेश्चन है देखने में डरावना है, लेकिन अपने को मालूम है लॉग का क्वेश्चन पर देखने में डरावना होता है, इसमें करने समय बड़ी आराम से हो जाता है। तो इसको पॉज करके पहले ट्राई करो। चलो ठीक है, आते हैं सॉल्यूशन पे। तो log bc base 10 डिवाइड बाय log a base 10 प्लस 1, है ना? एक तरह से इसको हम लोग स्प्लिट कर दिया ना, लॉग बी सी को ऊपर ले गए हैं बेस 10 पे और लॉग ए 10 पे, उसी तरह हम लोग बाकी सब में भी करेंगे। तो log ca base 10 डिवाइड बाय log b base 10 प्लस 1, है ना? सब जगह देखो एक फॉर्मूले लग रहा है, मतलब उसको ऊपर नीचे तोड़ दिए, है ना? प्लस वन कर दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब जोड़ देंगे नीचे वाला डिनोमिनेटर को। तो जोड़ेंगे तो log bc base 10 प्लस log a base 10 हो जाएगा और डिवाइड बाय log a base 10 हो जाएगा, है ना? अभी जो चीज़ है सब पे करेंगे, यही से एक चीज करो, ठीक है? अब यही चीज़ को मतलब बार बार सब पे करेंगे। तो इसमें देख रहे मतलब बस क्वेश्चन अभी सब देखने में मतलब लगता है कि बहुत तुर्रम क्वेश्चन सब है, लेकिन रहता है मतलब एक्चुअल में उतना डिफिकल्ट नहीं रहता, एकदम सिंपल ही सिंपल सब रहता है। तो log ca base 10 उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सिंपलर वे में, log ca base 10 प्लस log b base 10 डिवाइड बाय log b base 10। तो यहाँ पे जो डिनोमीटर है ये भी ऊपर जाएगा, चला जाएगा। ये तो सिंपल सिंपल मैथ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रहा है। log ab base 10 प्लस log c base 10 डिवाइड बाय log c base 10, इसका भी जो है उसको ऊपर भेज देंगे, हम लोग काम और आसान हो गया। अब जो क्या करना है, अब अगर आप देखोगे तो आपको धीरे धीरे आंसर दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है तो थोड़ा देर में जरूर दिखने लगेगा, क्योंकि हम लोग का बहुत हद तक काम हो चुका है, ठीक है? अब देखो log b base 10 प्लस log c base 10 और log a base 10, सब बोलेगा कैसे लिख दिया? तो log बी सी जो है उसको हम लोग तोड़ेंगे तो log b प्लस log c नहीं हो जाएगा, और log a तो पहले से था, उसी तरह हम लोग बाकी सब में भी करेंगे।
इसमें भी देखो जो लॉग सी है उसको तोड़ोगे तो लॉग सी प्लस लॉग ए हो जाएगा, लॉग बी तो पहले से था हम लोग के पास, चलो लोग लॉग सी बी जोड़ दो। उसी तरह जब दूसरे वाले पे करेंगे है ना, तो एक चीज़ है मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, हम लोग बहुत ही ऊपर ऊपर कर रहे हैं काम, हर चीज़ डिटेल में नहीं बात कर रहे, क्योंकि ये मतलब मान के चला जा रहा है कि ये ग्रेजुएट लेवल के बच्चे सब यहाँ पे जो एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन करते हैं वो सब देख रहे हैं, या फिर 12th क्लास वाला बच्चे जो भी देखेंगे तो उनको यूजली समझ में आ जाएगा, इतना तो मैथ तो आता ही है, पर 10th पास किए हो ना, हर चीज़ थोड़ी बताएंगे डिटेल में। तो उसी तरह मतलब जैसे लॉग सी बेस 10 डिवाइड बाई ये हो गया, अब क्या नीचे में डिनोमिनेटर में सब कुछ सेम दिख गया, तो नीचे में डिनोमिनेटर सेम में सेम दिख गया तो ऊपर वाला सब जुड़ जाएगा, तो लॉग ए बेस 10 प्लस लॉग बी बेस 10 प्लस लॉग सी बेस 10 डिवाइड बाई सेम चीज़ लॉग ए बेस 10 प्लस लॉग बी बेस 10 प्लस लॉग सी बेस 10। और जहाँ ऊपर और नीचे सेम मिल गया तो करना क्या है, एक बार में काट दो। फाइनली हम लोग आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। जैसे अगला क्वेश्चन जो है log 5, log x² + x है base 5 है, और -log x + 1 base 5 है जो कि 2 के बराबर है। तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो अब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो log a base b - log c base b हम लोग क्या करते थे, हम लोग उसको डिवाइड कर देते थे, याद आया? हाँ, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो भाई, जब दोनों का लॉग सेम है माइनस में है तो उसको डिवाइड कर दो। तो log x² + x / x+1 करो, हाँ x+1 हो गया अपना डिवाइड, ब्रैकेट दो ना दो कोई दे दो, इक्वल टू 2 हो गया। अब अपना लॉग का जो डेफिनेशन था कि जो लॉग का बेस होता है उसको पावर में जो होता है इज इक्वल टू ये हो जाता है, तो हम लोग इसको लिख दो, तो अपना लॉग से हम लोग छुटकारा पा गया, और हम लोग एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप कुछ मिल जाएगा, और उसको हम लोग फटफट सॉल्व कर देंगे। 5² = x² + x / x+1 हो गया। अब 5² जो हो गया 25 बन गया, और ये x² + x / x+1 हो गया है ना। फिर उसी तरह अपना x², अब इसको थोड़ा वही सिंप्लीफिकेशन, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो 25x + 25 = x² + x, अब x² को उधर ही रहने दो और 25x को उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो -24x हो गया, और -25 = 0। अब यहाँ पे लगा दो सीधे धराचार्य मेथड, या फिर सिंपल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 में पढ़ते हैं हम लोग सब, सिंपल जो फॉर्मूला है ना, -b + √b² - 4ac / 2a। तो यहाँ पे अपना माइनस बी क्या है, बी अब तक -24 है, तो -b 24 हो गया, +b² √√b² में 24² हो गया, -4 × 1 × है ना। एक मिनट, हाँ, तो अपना जैसे -4 × 1 × -25 हो गया, और √√2a होता है, तो 2a तो अपना 1 है, तो यहाँ 2 हो गया। तो इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो 24 ± √576 हो गया, 24 का स्क्वायर 576 होता है, और -4 × -25 100 हो गया, तो +100 हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया। तो यहाँ पे फिर अब वापस इसको जब सॉल्व करेंगे तो 576 + 100 676 हम लोग आ गया, और 676 का जो स्क्वायर रूट होता है 26 होता है, तो 24 + -26/2 क्या हो गया, तो 20 एक बार प्लस कर दो तो 24 + 26 50 हो गया, 50/2, और एक बार माइनस कर दो 24 - 26 - 2 हो गया, डिवाइड बाई 2, तो या तो 25 होगा या तो -1 होगा, तो हम लोग को 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या था। तो ऑप्शन में अपना 25 आंसर है, तो अपना 25 आंसर मारो और निकलो, है कि नहीं, यहाँ पर कोई आदमी को मेटर झाल थोड़ी बजाना है। अब जो छठा क्वेश्चन पे आते हैं, तो छठा क्वेश्चन में क्या है, तो log 2 base 10 = 0.3 दिया हुआ है, और log 3 base 10 = 0.4771 ये भी दिया हुआ है, तो हम लोग को फाइंड करना है log 4.5 base 10 क्या होता है। पहले तो इसको पॉज करके इसको एक बार सॉल्व कर लेना, अब नहीं है तो इसका आंसर देखो। तो log 4.5 base 10 क्या हुआ, log 9/2 base 10, यहाँ पर log 9/2 को हम लोग log 9 base 10 - log 2 base 10 लिख सकते हैं। 9 को फिर से तोड़ दो उसको 3² में, तो फिर वो 3² का जो स्क्वायर है वो भी बाहर आ जाएगा, 2 × log 3 base 10 - log 2 base 10। तो अब ये जो हम लोग को दिया हुआ गिवन, ये किसी काम से दिया हुआ है ना, तो उसको फटाक से इसको इसमें इनपुट करो, log 3 base 10 का जो वैल्यू है 0.4771 है, और log 3 2 base 10 का जो वैल्यू है 0.301 है, डालो और अपना आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, 0.6532। ठीक है, अब जो हम लोग का जो ये मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, जब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स पूछ रहा है हम लोग से 5 के पावर 20 पे, तो देखते कैसे करना है, पहले तो ट्राई कर लो अपने से। तो जैसे कि चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, पहले नाउ सी
लॉग 9845 इज इक्वल टू 3.99। तो यहाँ पे देखो क्या एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 3.99 है, तो यहाँ कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, उसी तरह लॉग 9845। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को जो 4.99 आ रहा, तो ये कितना डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट का नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग को एक पैटर्न दिखेगा, नहीं दिख रहा तो अभी दिखेगा, एक दो और करके देखते हैं। लॉग 101 है तो वहाँ पे क्या आ रहा है, 2.004 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट आ रहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि जो नेक्स्ट इंटीजर है ना बड़ा वाला, वही उतना ही डिजिट बन जा रहा है, जो लॉग का वैल्यू आ रहा है उतना ही डिजिट उसमें है। जैसे 2.004 था, तो उसका जस्ट अगला जो इंटीजर क्या होता है, 3 होता है, 4.99 का जस्ट अगला 5 होता है, 3.99 का 4 होता है, फिर लॉग 85 ले लो तो 1.92 है, तो उसका जस्ट अगला क्या होगा, 2 डिजिट होगा, है कि नहीं। यहाँ पे जो नेक्स्ट जो इंटीजर होता है ना, वही अपना नंबर ऑफ डिजिट्स होता है। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो सयाना आदमी सब है, हम लोग भाई चुपचाप लॉग ले लेंगे, लॉग 5 की पावर 20 को। और जैसे 5 की पावर 20 को लॉग लेंगे, तो एक बहुत अच्छा चीज़ होगा कि जो पावर है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि अपना लॉग से ही खेल रहे हैं ना, ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे, लॉग 5 की पावर 20। तो ये जो 20 है ये नीचे आ गया और इंटू लॉग 5 हो गया। लॉग 5 कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता भाई, लॉग 5 बहुत सिंपल होता है। लॉग 5 का वैल्यू ऑलमोस्ट सबको पता रहता है, नहीं पता तो लॉग इसको 10/2 कर लो, और 10 है ना, नहीं पता तो 10/2 कर लो, अपने को क्या दिक्कत है, अपने को तो बस काम से निकलने से मतलब है। और 10/2 क्या हो गया, तो लॉग 10/2 क्या हो गया, लॉग 10/10 माइनस लॉग 2/10, 10/10 तो 1 हो गया, लॉग 10/10 तो 1 हो गया, तो यहाँ 20 माइनस कितना हो गया, लॉग 2, और लॉग 2 को जस्ट अभी थोड़ा देर पहले देखा 0.3 के आसपास उसका वैल्यू होता है, 20 × 1 − 0.3, तो हम लोग आंसर कितना आ गया, आंसर जो हम लोग आ गया 19.7 के आसपास आया, मतलब इसके पास 20 डिजिट्स होता है, समझे। तो इसमें 20 डिजिट हुआ, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट जो बड़ा नंबर देखते हैं। अरे भाई लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गया है, आप लोगों को दिखा है कि नहीं, लेकिन मेरे को दिख गया है। यहाँ पे जो वो जो 20 है ना, वो मल्टीप्लाई इसके होल पे हो रहा है, लॉग 10/10 माइनस लॉग 2/10। तो यहाँ पे हम लोग जो 0.1 − 0.3, ये पूरा हो ये ब्रैकेट के अंदर होगा, तो उससे जो हम लोग का आंसर डिफरेंट आएगा। तो जो लोग को दिख गया था वो लोग ऐसा बहुत समझदार होशियार बच्चा सब है, लेकिन सॉरी गड़बड़ हो गया मेरे से। तो अभी देखो जो फाइनली इसका आंसर जो होगा 20 × 0.,699 हो जाएगा, और जो इसका जो फाइनल आंसर हो गया हम लोग का, कैलकुलेटर से यूज़ कर रहे हैं, 14.98 आया। तो यहाँ पे जो इसका नेक्स्ट इंटीजर क्या होता है, 14 हो गया, तो ये जो इसका फाइनल आंसर हो गया 14, तो 14 इसमें टोटल है।